आप यहाँ तशरीफ लाए, ऐसे आप चेंज बिल्कुल नहीं हुई हैं, आप वही हैं। आई मस्ट कमेंड यू। आप बताएं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, हर एक बहुत मुश्किल होती है बताना। आपने लगभग कितनी फिल्में की होंगी अब तक? मैंने करीब करीब 300 फिल्मों में काम किया। कितनी? 300 में। 300। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल जी, विच वन डू यू कंसिडर अपने के वो बेस्ट थी आपकी परफॉर्मेंस वाइज, स्टोरी वाइज बहुत पावरफुल थी? ऑब्वियस है वो एक तो नहीं होगी जी, जी हैदर अली थी। नहीं, कोई खास पंजाबी की और उर्दू की? नहीं, पंजाबी की तो नहीं कोई ऐसी। नहीं, उर्दू की? उर्दू की एक थी अंबर। अंबर, हैदर अली और इंतजार। इंतजार देखिए, मैंने मेरी चॉइस आपसे बोली। आपकी फिल्म मेरे एक दोस्त के साथ थी, मेरा बड़ा अच्छा गहरा दोस्त, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर से। उसने मेरे साथ 10-12 ड्रामे मैंने लाहौर से किए उसके साथ 70s में। उसका नाम है अली एजाज मरहूम। आपके हीरो बने थे वो फिल्म साला साहब में, और आप दोनों पे एक बहुत ही खूबसूरत गाना पिक्चराइज हुआ था मरी में, और इसके इतराफ मैं थे मेरा दिल भर जानी आप पे और अली एजाज पे। जब उसका एक सीन रिकॉर्ड हुआ था सेसल होटल मरी में, तो वहाँ मैं आपके साथ खड़ा हुआ था और मुझे अली ने बुलाया था। आप लोगों ने सेसल की जो रेलिंग है पगोडा की, उसके साथ आप दोनों ने एक सीन किया था। इसी बात पे आपके साहबजादे ने एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज बनाया है आपके। अच्छा, हम यहाँ देखेंगे ये सारा साफ फिल्म है। आपका बड़ा तजर्बा है पाकिस्तानी फिल्मों पे, और आप बड़ी गहराई में जाते हैं, और आप मुमताज साहिबा के बारे में बहुत जानते हैं, कोई इनसे आप कोई पर्टिकुलर? मेरा ख्याल था कि मोहब्बत जिंदगी है, और जब जब घूमते में से कोई एक होती इसमें, क्योंकि मोहब्बत जिंदगी है मैं आपके गाने जो थे तो जुड़े जुड़े दादा था सबको आज भी याद है, और जब जब घूमते इसलिए कि उसमें तीनों हीरोज थे और आपका नदीम और वही घोड़ा दोनों के साथ पेयर था, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मुश्किल तो उसमें काम करने में हुई होगी आपको, और थी भी अच्छी फिल्म। नहीं, जिनका नाम मैंने फिल्मों का लिया सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे उनमें हुई। हैदर अली रियाज शाहिद की डेथ के बाद बनी थी। कौन सी थी? हैदर अली जो थी जी, जी, जी। रियाज शाहिद साहब उसका पेपर वर्क कर रहे थे जी। और अच्छा, क्या ये बात दुरुस्त है कि पहले वो रोल नीलो करने वाली थी, या आपको रियाज शाहिद ने चूज किया था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं था? नहीं। आपकी मुलाकात हुई थी रियाज शाहिद साहब से? नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक गाना मेरा पिक्चराइज किया था सलामे मोहब्बत का। अच्छा, बस उनसे मेरी इतनी मुलाकात है, लेकिन मैंने उनकी किसी ज़ाती फिल्म में काम नहीं किया। बस हैदर अली चूँकि 77-78 में आई है जी, राजा गजफर साहब ने बनाई थी जी, और मसूद परवेज साहब, मसूद परवेज और ख्वाजा खुर्शीद नूर की जब म्यूज़िक थी जी, जी। तो वो हाँ मुश्किल फिल्म थी और बहुत पावरफुल भी थी इन सेंस में। और इंतज़ार तो खैर उसमें पहली स्टैब्लिश एक्टर्स थे जी, नदीम साहब थे, शबनम थी, बाबरा भी थी जी, जी। तलाश वही कहेंगी आप? तलाश, तलाश मेरी स्टार्टिंग की फिल्म थी, तो वो जैसे तीन बहनें हैं बस, इतना कोई खास नहीं था। लेकिन उसमें जो रोल था आपका जी, क्या वालिद जो है आपके नीचे धागे में है और आप गाना गा रही हैं और वो आते हैं, फिर बहुत इमोशनली चार्ज वो था। सही बात है। अच्छा, एक फिल्म मैं पूछना चाह रहा था, हीरो जो वहीद मुराद की डेथ के बाद रिलीज हुई है जी, उसमें क्या हुआ था कि आपका वहीद मुराद के साथ जो काम था वो हो गया था, क्योंकि कुछ सीन्स वहीद मुराद के जो थे वो बाद में किए गए थे किसी और स्टैंड में यूज किया था, क्या किया था? पिक्चर तो कंप्लीट हो गई थी उनकी अच्छा। ज़िंदगी में, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर चेंज करते हैं कि इसकी जगह ये होना चाहिए, इसकी जगह ये होना चाहिए, इसलिए फिर उन्होंने वो पैच वर्क किया बाद में। अच्छा, वही मुराद साहब डायरेक्ट कर रहे थे या बाद पहले ही कर रहे थे डायरेक्ट उसको?
मैं समझी नहीं। मैंने सुना था कि वही साहब डायरेक्ट खुद कर रहे थे और उनकी डेथ के बाद जो पैच वर्क और बाकी चीजें थी वो इकबाल यूसुफ ने टेक ओवर किया था। जी बिल्कुल ऐसे ऐसा ही था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। और हसन तारिक साहब के साथ आपकी ज्यादा फिल्म नहीं है? क्योंकि मैं उनकी हीरोइन नहीं थी ना। नहीं, लेकिन दीदार में आप फिर भी थी। जी मैं दीदार में थी। दीदार में एक स्टार में मैंने किया था उमराव जाना दान। उमराव जाना दान बिल्कुल शुरू का गाना जो था वो था आपका। और दीदार में आपका रोल था क्योंकि वो शायद का जिस साल जो वो था उनकी रानी जो थी उनकी हीरोइन थी उनकी बेगम थी। जी जी बिल्कुल। आपको भी जो डायरेक्टर्स थे जैसे परवेज मलिक साहब के साथ बहुत अच्छे लंबी एसोसिएशन रही दुश्मन से लेके जंजीर तक। बहुत अच्छे डायरेक्टर बहुत ही अच्छे। और आपने 50s के हीरोज सुधीर यूसुफ खान कमाल इनके साथ भी काम किया 60s के लोगों के साथ भी किया 70s वाले गुलाम मोहिद्दीन और रंगू और जावेद शेख के साथ किया और 80s में भी आप आए तो मैं गुजारिश करती चलूं कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री के जितने हीरोज थे 10 थे 20 थे 30 40 जितने भी थे अल्लाह ताला की रहमत से मैंने उन सब के साथ काम किया। नॉट टू बी वेरी चढ़ाने वाली बात यह जो है इन्होंने उमदा काम किया फिल्म। हाँ 20 साल तकरीबन 70 71 से अगर हिसाब लगाए तो 89 तक तो इनकी रेगुलर आई है फिल्म 90 तक। हाँ जावेद शेख के साथ भी थी इजहार गाजी भी शायद उसमें थे एक जान है हम तो वो उस लिहाज से इनकी काफ़ी फिल्म बहुत चेंजेस देखी हैं। ज़िया का दौर जो था ज़िया उलग का वो जब फिल्म रुक गई थी बनना और वो तो विटनेस है उसकी हम लोग उसे पढ़ते आते हैं वो दौर था। फिर उसके बाद ये उसमें भी थी ना तुम सलामत रहो में जी अब थे ना जी सलाम मोहब्बत तुम तो मेरी जान कह दो सलाम सलाम तुम हमसे खफा हो गए जाने वफा वही है ना वो सलाम मोहब्बत थी उसमें सलाम मोहब्बत जी जवाब मोहब्बत भी हुआ जी उसमें भी थी उसमें भी थी तुम सलामत रहो मत रहो वही मुराद मोहम्मद अली जिसमें अली भाई ने वही मुराद को बहुत चमाटे मारे थे। मुझे बताओ घर वापस चलते हो या नहीं? नहीं कहो कि शादियां तुम्हारी मोहब्बत है शादियां तुम्हारी मोहब्बत है नहीं कहो आपने काम ऐसा किया है कि आपसे जुड़ी हुई जितनी फिल्में हैं ना सब पता है आपने बहुत काम किया पर्सनैलिटी इनकी जो थी वो बहुत रोबदार और बहुत जबरदस्त आदमी थे। मैं भी एक दफा उनसे मुलाकात हुई है मेरी शेरेटन में छोटा था मैं काफी तो मेरा कहना ये था कि एक पर्सनैलिटी उनकी डिफरेंट थी तो एक बड़े भाई वाली थी पर्सनैलिटी और उनके साथ रोमांस जो था वो कैसे होता था? ये काफ़ी सवाल लोगों ने मुझसे अक्सर किए तो मैं उनको यही बताती थी कि मैं भाईजान ही कहती थी सब कहते थे तो उनका नाम राजू है राजू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भाईजान आप गलत देख रहे हैं आपने इधर देखना था तुम सलामत रहो में थोड़ा सा पोर्शन था आपका जब वो फ्लैश बैक होता है और डेथ होती है किसमें तुम सलामत रहो में वही था ना जिसमें हासिया भी होती है उसके अंदर। अच्छा बिग बजट फिल्म्स में आपने जो ये मल्टी स्टार जो हमारे यहाँ उस जमाने में शुरू हो गई थी जी बिल्कुल तो उसमें जो आपने काम किया दो हीरो तीन हीरो परस्तिश में वही मुराद भी है नदीम भी है आप भी हैं दीबा भी हैं तो उसमें किस इस तरह नहीं होता था उस जमाने में कि इसके सीन ज्यादा है मेरे सीन क्यों कम है? नहीं वो तो पहले ही आपको बता देते थे जब आपको साइन करते थे तो स्क्रिप्ट के ऊपर सब कुछ बताते थे आपके दो गाने हैं या तीन गाने हैं या गाना ही नहीं है चार सीन है 10 है 15 आपको अगर एक्सेप्ट करते हैं आप तो आप करें अगर नहीं करते जबरदस्ती कोई नहीं। फारिस से आ रहा था तो उसी फ्लाइट पे आप और कमाल साहब यहाँ से वहाँ तक आप लोग शूट कर आ रहे थे यहाँ से वहाँ तक
बनाया था ना आपने, तो एयरपोर्ट पे हम लोगों ने साथ ही लैंड किया था और हम लोग वो इमिग्रेशन पे थे और इतना रश था कि वो मैंने अपने कस्टम ऑफिसर से वो जो वहाँ था मैंने तो तुम्हें बताया सच अ बिग स्टार कमाल एंड मुमताज़ है बाय द स्टोनिंग गोइंग डिटेल प्रोटोकॉल, तो वो कह रहे अच्छा चलिए आपको आए मैंने मेरी पहली मुलाकात आपसे फर्स्ट टाइम और कमाल के साथ, कमाल वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल एज फैमिली कनेक्टेड फ्रॉम बेरठ, वो मेरठ के थे, उनकी अम्मा मेरी वालदा की बहुत करीबी मेरठ से दोस्त थी, कमाल खाना बुगनी कहलाती थी उनकी वालदा, तो वो यहाँ से वहाँ तक अच्छी फिल्म थी और वो काफ़ी आप लोगों ने वो सीट में शूट किया था उससे, आपको याद है फिल्म याद है तो ये बात है बोलो मैं कह रहा था कि वाहिद पाकिस्तानी एक्टर थे जिन्होंने डिज्नी का पिक्चराइज कराया है कमाल के साथ डिज्नी लैंड में, नहीं था ज़्यादा वो जो उसमें शुभाल उसको कह दिया था कि हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, क्या कुछ याद है आपको? जी वो बिना परमिशन के शूटिंग हो रही थी और अल्लाह जिंदगी अल्लाह ताला गरीब के रहमत फरमाए कमाल साहब को, परमिशन तो आपको पता हम लोग नहीं ले सकते बहुत महंगी है वहाँ की, पता नहीं कितने मिलियंस डॉलर जो है हमें वो रखने पड़ते हैं उसके लिए शूटिंग के लिए, तो हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो अचानक वहाँ की उनकी पुलिस आ गई, तो जजेस के हाथ में जो जो तक था वो उठा के भागा, उन्होंने कहा कि चीज़ों को बचाना चाहिए, लेकिन कमाल साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे थे, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे थे और इंसान तो बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने एक टाइम में मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था यहाँ से बात ना करना, जिसमें वही गुनाह पे गाना पिक्चराइज हुआ था सलमा मुझे प्यार करो सलमा जो था उसकी डायरेक्शन शायद कमाल साहब ने बहुत जबरदस्त दी थी उस जमाने के लिहाज से वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम, थैंक यू वेरी मच ऑन दैट नोट आई थिंक वी एंड द सेशन, मगर मेरा आपसे एक जाते जाते सवाल है, अगर आपको पाकिस्तान के टेलीविजन ड्रामों में प्राइवेट प्रोडक्शन ऑफर आ जाती है कि आप करें आपकी जो उस वक्त सिचुएशन है उसके तहत आपको एक अच्छा सा कैरेक्टर मिलता है आप रेडी हैं? देखिए सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा बेटा, क्या है मेरा बेटा जी जी वो काम करें, तो अगर वो काम कर रहे हैं तो मुझे करने में कोई एतराज नहीं है, मैं जरूर करूँगा करेंगे, चलिए ये तो मैसेज दे दूँगा मैं MVP को और जियो वगैरह को, कल यही दे देगा मैसेज आप रेडी हैं तैयार हैं, क्योंकि इनको बहुत तलाश है जी जी। आप ऐसे मंझे हुए यू नो और नॉन लोगों की तलाश होती है, उससे ड्रामे की वैल्यू भी बढ़ती है और उसकी सिग्निफिकेंस भी होती है कि आप काम कर रहे हैं, तो दैट स्ट्रेंथ को ऑन दैट नोट मुताब बेगम आई लाइक टू थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ सुरेश त्रिवेदी एंड सुन अफ्ताब एंड नापा जावेद इकबाल द चेयरमैन एंड the entire faculty of NAPA के आप यहाँ तशरीफ लाए, आपने यहाँ अपने बारे में कुछ बातें की, साहबजादे आए आपके उन्होंने बातें की, थैंक यू समीना फॉर बींग हेयर, थैंक यू सुहेब फॉर बींग हेयर एंड थैंक यू एवरीबॉडी।